स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप और आज के वीडियो में हम बात करेंगे येलो डॉलर के बारे में। देखिए, जब आप किसी वीडियो को डालते हैं और वीडियो को डालने के बाद जब उसको मोनेटाइज करते हैं तो मोनेटाइज करते टाइम यहां पर आपका एक येलो डॉलर आपको दिखाई दे जाता है। कई बार यहां पर येलो डॉलर आ जाता है विजिबिलिटी में। तो इस येलो डॉलर का क्या आप करेंगे, किस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई आप वीडियो डालते हैं तो वीडियो डालने के बाद उसको पब्लिक करते हैं तो उसके यहाँ पर आपका एक ग्रीन डॉलर आ जाता है। इसका मतलब आपकी जो वीडियो है वो एड्स के लिए शूटेबल है। लेकिन जिस वीडियो के यहाँ पर आपका येलो डॉलर आ जाता है और यहाँ पर लिमिट्स लिखा आ जाता है, उसमें क्या दिखाता है कि दिस वीडियो इज़ रनिंग लिमिटेड और नो एड्स ड्यू टू कंटेंट आइडेंटिफाइड एज नॉट शूटेबल फॉर द मोस्ट एडवर्टाइजर्स। मतलब जो एडवर्टाइजर्स हैं वो आपके वीडियो पे ऐड नहीं डालना चाहते और जो एडवर्टाइज़र हैं वो आपकी वीडियो को एड्स के शूटेबल नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे, समटाइम्स किसी एक या दो वीडियो पर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपनी वीडियो को दोबारा से रिव्यू के लिए डाल सकते हैं। तो अपने चैनल के डैशबोर्ड पे चलिए और चैनल के डैशबोर्ड पे जाके कंटेंट में जाइए और कंटेंट में जाके आप इसको यहाँ पर ऐड शूटेबिलिटी पे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिव्यू। आप दोबारा से अपनी वीडियो को रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने रिक्वेस्ट रिव्यू कर दिया है और जो मेरा रिक्वेस्ट रिव्यू है वो सबमिट हो चुका है। एक तो तरीका ये है दोस्तों, आप इसके रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए यहाँ पर रिव्यू के लिए डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, इसके अंदर आप अपनी वीडियो के जो टैग, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज करके आप इसको दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। जब कई बार क्या होता है कि जब आप कोई टैग, टाइटल या डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं जो एड्स के लिए शूटेबल नहीं होते हैं या फिर यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो मोनेटाइजेशन है, वीडियो का मोनेटाइजेशन, वो बंद कर दिया जाता है और आपकी वीडियो पे ऐड हटा दी जाती हैं, नहीं दी जाती हैं आपको। तो जब आप थोड़ा थोड़ा ये चेंज करते हैं, तो चेंज करके दोबारा से सबमिट करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। येलो डॉलर को हटाने के लिए ऐसा कोई परमानेंट रूल नहीं है कि आप ऐसा कर देंगे तो आपका ये जो येलो डॉलर है वो ग्रीन डॉलर हो जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो दोबारा से रिव्यू डाल सकते हैं या फिर टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज करके या फिर वीडियो में या ऑडियो में थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके दोबारा से अपनी वीडियो को डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होता है तो इसका कोई पर्टिकुलर नियम भी नहीं है। वैसे जब आप दोबारा से रिव्यू के लिए डालते हैं इसको तो आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है। इसको सिर्फ आप रिव्यू के लिए डाल सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो फाइनल डिसीजन है वो यूट्यूब का ही रहेगा कि वो इसको मोनेटाइज करेंगे या नहीं। और ये येलो डॉलर किस रीज़न से आता है, इसके पीछे रीज़न कई सारे हो सकते हैं। वीडियो की लेंथ हो सकती है और वीडियो का कंटेंट हो सकता है, वीडियो के अंदर जो आपने टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस जो दिए हैं वो भी इसका रीजन्स हो सकते हैं, जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। तो जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम के अंदर वो चीज़ फिट नहीं होती है, तो उस वजह से ये येलो डॉलर आपको दिखाई दे सकता है।